पुलिस की पहल से लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, 187 मोबाइल लौटाए। हुगली जिले में दुर्गा पूजा से पहले चंदन नगर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त अर्णव घोष अपने कमिश्नरेट इलाके में पड़ने वाले थाना क्षेत्रों में लगातार सार्वजनिक स्थानों पर खोए या चोरी गए मोबाइल फोन को रिक्वायरी करके उनके असल हकदारों को लौटा रहे हैं। शनिवार को श्रीरामपुर थाना के ओर से श्रीरामपुर थाना प्रभारी दिबेंदु दास के नेतृत्व में श्रीरामपुर के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए चंदन नगर आयुक्तालय के आयुक्त अर्णव घोष ने रिक्वायरी किए गए 187 मोबाइल उनके असल हकदारों को लौटाया। सीपी अर्णव घोष ने बताया कि साइबर सेल के अधिकारी अपना काम निष्ठा के साथ कर रहे हैं। श्रीरामपुर थाने में दर्ज हुई शिकायत के बाद 187 मोबाइल को रिक्वायरी करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। पूजा से पहले पुलिस उन्हें लौटाने का काम कर रही है, ताकि लोगों के पुलिस का मैत्री व्यवहार बना रहे। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने लायक थी। मोबाइल पाकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। जिन लोगों के मोबाइल गुम या चोरी हो रहे थे, उनकी जांच सर्विलांस सेल कर रही थी, जिसके तहत सर्विलांस सेल के एक्सपर्ट्स हर रोज खोए मोबाइलों की लोकेशन खोजने की कोशिश करते थे। उनकी महंत रंग लाई और आखिर धीरे धीरे उन्हें सफलता हाथ लगने लगी, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सर्विलांस सेल ने खोए ढेरों मोबाइल वापस खोज निकाले। शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सीपी अर्णव घोष, डीसीपी डॉक्टर अरविंद आनंद, श्रीरामपुर थाना प्रभारी दिबेंदु दास व अन्य पुलिस अधिकारियों ने गुम हुए मोबाइल के साथ पूजा कमेटी के आयोजकों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान किए गए 50,000 की धनराशि के चेक सुपुर्द किए। चंदनगढ़ पुलिस कमिश्नरेट सीमा क्षेत्र में 400 पूजा कमेटियों के नाम अनुदान श्रेणी में दर्ज है, जिन्हें चेक प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। 187 मोबाइल विभिन्न समय अंचल मानुष हारिए फेले सेगुलो साइबर सेल तार विशेष प्रযুক্তিগত সুবিধার মাধ্যমে এগুলো সমস্ত খুঁজে বার করেছেন এবং আমরা এই অপরচুনিটিটা এই সুযোগটা গ্রহণ করলাম। মানুষের সাথে একটু ইন্টারাকশনও হলো, পুজোর আগে তাদেরকে একটু আনন্দ দিতে পারলাম, সেই জন্য আজকে এই অনুষ্ঠানটা করা। পুজোর চন্দ্রনগর পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে প্রত্যেক এতদ অঞ্চলের সমস্ত মানুষের জন্য শারদীয় শুভেচ্ছা রইল আমার তরফ থেকে, আর সাথে সাথে সতর্কীকরণও রইল যে অতিমারির প্রকোপ থেকে আমরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি, তার ফলে সরকারি বিধিনিষেধ যা আছে সেইটা মেনে প্রত্যেকে যেন আনন্দ করেন। কজন পুজো কমিটিকে চেক দেওয়া হয়েছে? আমরা 400 পুজো কমিটিকে চেক দেওয়া দিয়েছি, 400-এর কাছাকাছি। তার মধ্যে আজকে কজনকে দেওয়া? আজকে দুজনকে দেওয়া।